ओम रभ्यो नमो नम गणपते नमो मते नमो ब्रह्म रामाय नमो मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। मंगलू बाबा तंगलू करने के लिए कर्क राशि में निजस्थ गोचर में 11 मई को आ रहे हैं। आ रहे तो आ रहे हैं, क्या हो गया? कब नहीं आए थे जो अब नहीं आ रहे हैं और आप हमें फिर नया सुना रहे हो? नहीं महाराज, सुना नहीं रहा हूँ, ड्यूटी पूरा कर रहा हूँ। मंगल का गोचर का आधार पर क्या क्या घटना घटने वाला है, 31 मिनट 53 सेकंड का वीडियो इससे पूर्व वाला देखिए, कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या आने वाला है डिटेल कर दिया हूँ, दो वीडियो दिया हूँ और ये इसका पूर्व वाला वीडियो दे रहा हूँ। तो मंगल यहाँ पर आना, गोचर करना, अब निचस्थ गोचर और मंगल हर एक जगह हर एक राशि में जनरली 44-45 से 49 दिन तक रहता है और बकरी हो गया तो फिर जैसे अभी 6 महीना लटक गए वृष राशि में, फिर आते आते ये मिथुन में लटके 60 दिन तक अंदर। तो बेचारा मंगलू बाबा है, उनको कौन बोले आर्मी कैप्टन लेफ्टिनेंट जनरल सिपेर सलार, मंगल भगवान कार्तिक हनुमान ग्रह योद्धा कैप्टन तो अग्निकारक लोहित लाल ग्रह मेष वृश्चिक का मालिक, अष्टम का भी मालिक और लग्न के एक नंबर घर का भी मालिक। कहाँ आ रहे हैं? मेष से चतुर्थ स्थान पे और वृश्चिक से अपने से नवम स्थान पे। अच्छा गोचर है लेकिन निचस्थ हो रहे हैं। हालांकि इस निचस्थ में केंद्र में गुरु बाबा बैठे हैं लेकिन गुरु का अवकात नहीं है अभी। तो मंगल पानी में, मंगल ग्रह दरिया में, समुन्दर में, कर्क राशि को दरिया भी कहा गया और यहाँ मंगल नीच हो जाते हैं और जहाँ इस प्रकार के कोई इम्पोर्टेंट प्लैनेट नीचस्थ गोचर होने लगता है और कहीं से नीच भंग अगर ना बने तो नेचुरली बहुत सारे नीच कर्म विश्व पटल में होना चालू हो जाता है। इसलिए यूनिवर्सल लेवल पे इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट कहीं ना कहीं मानस जन पटल में आने वाला है। सबसे पहला लेथर्जिक का अमाउंट बढ़ना, काम नहीं करने का इच्छा बढ़ना, शरीर में आलसीपन का मात्रा बढ़ जाना, पड़े रहने का इच्छा होना, आज का काम कल पे टालने का प्रवृत्ति बनना, नेगेटिव तनाव स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन का शिकार होना, वाटर एक्सीडेंट का मात्रा बढ़ना, रॉन्ग डिसीजन एंड स्मार्टनेस का कमी होना जिसके कारण रोड एक्सीडेंट वाटर एक्सीडेंट का मात्रा बढ़ना, लोगों के अंदर वाद विवाद युक्ति तर्क का मात्रा बढ़ जाना और सबसे बड़ा इसका प्रभाव पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर भी आना। तो ऐसे मंगल का गोचर कर्क राशि में 12 राशि को किसको क्या क्या फल देंगे ये तो अगला वीडियो में हम लोग विचार करेंगे मंगल का गोचर के बारे में। लेकिन ये समझें कि इस प्रकार के मंगल का यहाँ का गोचर केंद्र में कालपुरुष कुंडली के भूमि भवन वाहन माता सुख मन के घर में लग्नाधिपति मेष का यहाँ आना, विश्व पटल में सुख के स्थान पे क्रूर पाप ग्रह निचस्त अवस्था में भूमि भवन वाहन माता सुख मन
इसको कालपुरुष कुंडली के मन का घर भी कहा गया। तो मन में उग्र ग्रह तो सामूहिक विश्व पटल में उग्रताओं को निचस्त अवस्था में वृद्धि कराना, नेगेटिव ईगो को हाइपर एक्टिव कराना। तो दूसरा ये है कि माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गड़बड़ी, मैं यूनिवर्सल लेवल का कह रहा हूँ। मन माता भूमि को लेके टेंशन तनाव का में वृद्धि, झगड़ा झंझट माली मकदमा में वृद्धि, कोर्ट कचरी माली मकदमा में असमंजसता, और इसके लिए मेष राशि में गुरु चांडाल और बुध का स्थिति और फिर सूर्य का स्थान से परिवर्तन, कहीं ना कहीं इस प्रकार के घटनाक्रम को बढ़ाना। कई प्रकार के जहां गोला बारूद फैक्ट्री है या जहां पर फायर क्रैकर्स इत्यादि काम हो रहा है, उसमें दुर्घटनाओं को बढ़ाना। जल संकट, जल क्लिष्ट को बढ़ाना। जैसे पानी में समस्या होता है, पानी का संकट होना, वाटर स्कार्सिटी, ड्रिंकिंग वाटर स्कार्सिटी। आकाश में धूप के दिन के कारण उत्ताप में ज़्यादा वृद्धि, ग्लेशियर का पिघलना, दबंगाई मारपीट का मात्रा बढ़ना, कुछ इस प्रकार का इंसिडेंट आने वाले समय में दिख रहा है। और जो पुलिस बल है, आर्मी बल है, इनके ऊपर छुटर पुटर कहीं ना कहीं इफेक्ट होना, इम्पैक्ट होना। देखो नेशनल हमारे देश का सैनिक बात है, मैं खुल के सब बात नहीं बोल सकता, समझ जाओ जो बोल रहा हूँ, परेशानी में रहना। और ये उत्तर दिशा दक्षिण दिशा में कुछ प्रकार के परेशानी, और शनि माने जनता और मंगल माने पुलिस, मंगल माने एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेगेटिव जो भी है, और जनता के ऊपर दृष्टि, शनि के घर के ऊपर दृष्टि। तो कहीं ना कहीं जनता किसी ना किसी कारणवश पीड़ित होना। और ये एक्टिवेशन इस टाइम दौरान, ये जो मंगल का गोचर के दौरान बढ़ने का संभावना, तो इसलिए इस पूरे काल क्षेत्र के दौरान एक चीज और यही दिखाई दे रहा है कि पीछे सरकार आगे पुलिस, बीच में शुक्र माने नारी। तो कहीं ना कहीं पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। जो वृष राशि में शुक्र थे, आगे मंगल पीछे राहु सूर्य, सरकार मंगल पुलिस, बीच में शुक्र नारी, तो घट गया कांड। जो नहीं घटने वाला, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप सब जानते हो, वायरल न्यूज हो चुका है, और वहाँ पर किसी का दृष्टि नहीं जाना। जो लोग ए फास्ट गोचर में, कुछ लोग सुसाइड टेंडेंसी, सुसाइड करने का जो इम्पैक्ट, मैं जैसे दो चार दिन नीचे वीडियो छोड़ा था, उसके अंदर हो गया है, तो उनको थोड़ा सा शांत करके रखिए। उनके नाम पे जरूर शांतिकरण पूजा पाठ कराइए, क्योंकि फिर से ये लोग सुसाइड करने का अटेम्प्ट लेगा या मानसिकता बनाएगा। अब तक मंगल जब तक यहाँ रहेगा, ये लोग ठंडा होने वाले नहीं हैं। डबल स्टेप लेंगे, एक स्टेप ले चुके हैं तो दूसरा स्टेप लेंगे, मानसिकता को अति उग्र कराएगा नेगेटिव वे में। तो ये था बेसिक कुछ, इसके ऊपर और आगे राशिफल क्या होगा, फिर उसको लग्न बना के देख लो कि चतुर्थ स्थान पे केतु बैठा है, षष्ठ स्थान पे शनि, यहाँ से षष्ठ में शनि बैठा, शनि से अष्टम में ये सॉरी कर्क से अष्टम में शनि बैठा, और फिर इधर दशम में कैरियर हाउस में राहु और ये बैठे, फिर इधर बाकी को लेके अगर हम इसका ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे क्या क्या फल होगा, लंबा हो जाएगा। ये केवल वार्निंग देने के लिए, मंगल गोचर के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या क्या इम्पैक्ट आने का संभावना है, किस किस क्षेत्र में,
उसके ऊपर एक बेसिक मंगल का गोचर को लेके छोटा सा वीडियो आप सबके समक्ष में। आगे इसका दो तीन वीडियो और मैं दे दूंगा, मंगल का गोचर, राशिफल, नक्षत्र के वाइज क्या होगा। नेचुरली ये बड़ा प्लैनेट है, ज़्यादा दिन का बाकी प्लैनेट से थोड़ा सा मध्य भाग ज़्यादा रहता है, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।